वेलकम टू स्टडी मटेरियल बाय डीएस। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप 2019 का 16 मार्च 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, तो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए उन सभी का रिव्यू आपके सामने हाजिर है। गजब का जोश आपके अंदर देखने को मिला। जो कुछ दिनों पहले इंडिया में एक डायलॉग प्रचलित हो रहा था कि हाउ इज़ द जोश, हाउ इज़ द जोश, वही जोश अब आपके अंदर दिखना चाहिए, वही जज्बा, वही जुनून आपके अंदर दिखना चाहिए, क्योंकि बस सिलेक्शन किसी भी हाल में लेना है। पेपर बहुत ही अच्छा आ रहा है, पेपर सरल आ रहा है, जैसा कि आप लोग कमेंट करके बता रहे थे। तो आपने जितने क्वेश्चन कमेंट किए, जितने क्वेश्चन मेरे पास पहुंचे, उन सभी का रिव्यू लेकर मैं आपके पास आया हूं। सो फ्रेंड्स, अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ और दिन भर की तीनों शिफ्ट का जो मैं फाइनल वीडियो शाम को आपके पास लेकर आऊँ, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और उन दोस्तों उन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फालतू के कमेंट ना करें, फालतू के पीएचडी वाले इस चैनल से दूर रहें। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले रागा और इंग्लिश सब मिक्स है, इसमें क्वेश्चन आपका जो अलग अलग पोर्शन है उसका वीडियो मैं अलग से एक बना दूंगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि रिच इंडिया लिस्ट 2018 के अनुसार दूसरे नंबर पर कौन से भारतीय हैं, मतलब दूसरे नंबर पर सबसे अमीर भारतीय कौन से हैं। तो इस लिस्ट के अनुसार जो भारत के अजीज प्रेमजी हैं, जो कि दूसरे नंबर पर सबसे अमीर भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि मसूरी किस राज्य में है, तो मसूरी जो है वो उत्तराखंड राज्य में है। थर्ड क्वेश्चन था कि हाल ही में फ्रेंच हाईएस्ट अवार्ड किसे मिला, फ्रेंच हाईएस्ट ये एक नागरिकता सम्मान होता है, तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिकता सम्मान किसे मिला, तो ये इसका जवाब भी है अजीज प्रेमजी, अजीज प्रेमजी को ही फ्रेंच का हाईएस्ट ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो वो हैं रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मनुस्मृति किससे संबंधित है, तो मनुस्मृति जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित है, ये हिंदू धर्म का धर्मशास्त्र है जिसे स्वयं मनु ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6वां ये एक प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है कि ताश की गड्डी से एक पत्ता चुनने पर उसकी बादशाह होने की प्रायिकता क्या है, तो आपको पता है कि कुल कितने पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में, तो वो होते हैं 52। अगर 52 में से हम बादशाह चुनते हैं तो बादशाह कितने होते हैं 4, तो 4 को लिखेंगे ऊपर, 52 लिखेंगे नीचे, काट देंगे तो 1/13 हमारी प्रायिकता निकल के आ जाएगी। अगर हम एक पत्ता चुनते हैं तो जो बादशाह होने की प्रायिकता है वो हो जाएगी 1/13। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां कि ब्लू व्हेल चैलेंज किससे संबंधित है। दोस्तों ये सभी को पता होगा कि जो ब्लू व्हेल चैलेंज है वो एक तरह का गेम था जिसमें कई बच्चों की जाने गई, तो ये जो ब्लू व्हेल चैलेंज है वो एक मोबाइल गेम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, 50 ग्राम मिश्र धातु में 80% सोना और 20% चांदी है, कितना सोना और मिलाया जाए कि सोना 90% हो जाए। तो सबसे पहले इस मिश्र धातु में सोना और चांदी की अलग अलग मात्राएं हम निकालते हैं, तो 50 का 80% हो गया 40 और 50 का 20% हो गया 10। तो पहले इसमें 40 है और 10 है, अब 40 में हमें कितना मिलाना है कि 90% हो जाए, तो फ्रेंड्स आप इसमें एक्स जोड़ेंगे और इसके बाद जो आंसर आपका निकल के आएगा उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, उसके बाद नहीं तो शाम को जो वीडियो आपके पास आएगा फुल्ली सोल्यूशन आपके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो और आगे भी आपके वीडियो बनाने हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दबाजी कर रहे हैं, वरना आप विश्वास रखिए शाम को फाइनल जो वीडियो आएगा उसमें आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। और दोस्तों थोड़ी ही देर बाद आपके पास जो कल 15 तारीख को तीनों शिफ्ट में जितने भी मैथ और फिज़िक्स के क्वेश्चन आए थे, तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, तो मैंने उसका एक अलग से वीडियो बना दिया है, बस कुछ ही देर में आपके पास वो भी आने वाला है। तो फ्रेंड्स इंतज़ार कीजिए उस वीडियो का, उसमें भी गजब के कॉन्सेप्ट, गजब के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखे हैं, जो कि एयरफोर्स को, एयरफोर्स के एग्ज़ाम में 15 मार्च 2019 को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां दोस्तों कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से एक प्रायिकता का क्वेश्चन है कि एक सिक्के को 6 बार उछालने पर 2 बार टेल आने की प्रायिकता क्या है, तो अगर सिक्के को हम 6 बार उछालते हैं तो कुल हो जाएंगी, कुल जो संभव मतलब संभावना है वो हो जाएंगी 2 की घात 6, यानी 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64, 64 लिखेंगे नीचे, और टेल आने की प्रायिकता 1 होती है, तो 1 2 बार पूछा है तो ऊपर लिख देंगे 2, तो 1/2
32 हो जाएगी दो बार टेल आने की प्रायिकता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, फिजिक्स का क्वेश्चन है। मैंने इसके बाद आगे फिजिक्स के 10 क्वेश्चन लिख रखे हैं, फिर भी ये क्वेश्चन आप पहले आपको मिल गया है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर, या इसे हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, वोल्ट मीटर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इंग्लिश में स्पेल्ड वर्ड आपको दे रखा था ओकेशन, प्रोफेशन और दो ऑप्शन और थे, तो उसमें आपको बता दें कि ओकेशन की आपकी मीनिंग गलत दे रखी थी, ओ डबल सी ए डबल एस आई ओ एन होती है ओकेशन की स्पेलिंग। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, कंपेल्ड का हमसे सिनोनिम पूछ रखा था, तो कंपेल्ड का सिनोनिम होता है फोर्स्ड। आई होप दोस्तों आपने ये ऑप्शन राइट टिक किया होगा। इसके बाद 5 फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे रखे थे, वहाँ पे आपको कहीं पे कंजक्शन को फिल करना था, कहीं पर प्रपोजिशन और साथ ही कई अन्य तरह के क्वेश्चन वहाँ पे दे रखे थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स बटे एक्स माइनस वन, तो एफ ए अपॉन एफ वन प्लस ए का मान क्या होगा। फ्रेंड्स इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आपने वहाँ पे क्या आंसर निकाला और कौन सा ऑप्शन आपने वहाँ पे राइट टिक किया था। उसके बाद जो फाइनल वीडियो आएगा उसमें आपको इसका सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा, आप इतना हम पे भरोसा रख सकते हैं। आगे चलते हैं कि फिजिक्स में एक टॉपिक है कार्नोट इंजन, तो उससे हर रोज़ हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कार्नोट इंजन को इतनी अच्छी तरह से पढ़ के जाएं कि वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इसके अलावा इंग्लिश में एक क्वेश्चन नरेशन से आपसे पूछा था, वॉइस से क्वेश्चन देखने को मिला, एंटोनिम सिनोनिम से कुल मिला के 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में फिगर से 3 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन परसेंटेज से पूछ रखे थे और 2 क्वेश्चन आपसे ब्लड रिलेशन से वहाँ पे पूछे गए थे। उसके बाद थोड़े जीके क्वेश्चन वहाँ पे थे कि क्वेश्चन नंबर 16 कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति है वो हुई थी बोधगया में। अगला क्वेश्चन था कि आर समाज की स्थापना किसने की, तो आर समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 18वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है उसका नाम है गुरुमुखी, गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 कि बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो जो बिहू है वो असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। 20वां क्वेश्चन है कि आंवले में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आंवले में या फिर खट्टे जितने भी पदार्थ होते हैं उन सभी में आपको विटामिन सी प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगा, तो इसका जवाब था विटामिन सी। 21वां क्वेश्चन था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वे थे विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। आगे चलते हैं, अब फिजिक्स के थोड़े क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि आवेश को दोगुना करने पर संधारित की धारिता कितनी हो जाएगी, उसमें क्या परिवर्तन होगा, आधी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, चार गुनी हो जाएगी। तो आपको आवेश का पता है, एक मात्रक आवेश और धारिता के बीच में कि सी होता है क्यू इक्वल टू होता है सी वी। तो यहाँ पे हमसे क्या रखा कि अगर क्यू को दोगुना कर दिया जाए, मतलब जो आवेश होता है वो धारिता के प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर हम आवेश को दोगुना करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो उसकी धारिता है वो भी दोगुनी हो जाएगी, तो इसका जवाब था कि जो धारिता है वो दोगुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वेग प्रवणता की बीमा क्या होती है, तो वेग प्रवणता की बीमा होती है एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन। सूत्र होता है वेग प्रवणता का सूत्र होता है माइनस डी बी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे माइनस से हमें कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ बी अप और एक्स से मतलब है। यहाँ पे भी हो जाएगा एल टी माइनस वन और यहाँ पे ये दूरी है इसका मात्रक भी हो जाएगा एल, तो एल से एल यहाँ पे कैंसिल होगा तो निकल के आएगा एम जीरो एल जीरो और टी माइनस वन। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 कि स्पर्श कोण ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो आपको बता दें कि जो स्पर्श कोण है अगर हम ताप को बढ़ाएंगे तो स्पर्श कोण का मान कम होगा और अगर हम ताप को घटाते हैं तो स्पर्श कोण का मान बढ़ेगा। तो और एक जानकारी और हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि स्पर्श कोण का मान क्या होता है, तो स्पर्श कोण 0 से 180 डिग्री के बीच होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि गुरुत्वीय विभव का मात्रक क्या होता है, तो गुरुत्वीय विभव का मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। कैसे याद रखेंगे आपको, भी बराबर होता है माइनस डब्ल्यू अपॉन एम, ये सूत्र आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये होता है कार और ये होता है द्रव्यमान, तो कार का मात्रक होता है जूल और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। और एक ज़रूरी बात, ये अदिश राशि होती है और इस पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं होता है और हमेशा इसका मान ऋणात्मक आता है, हमेशा इसको ऋणात्मक देखने को आपको मिलेगा। हो सकता है कि अगली सप्ताह में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गुरुत्वीय विभव होता है हमेशा धनात्मक, हमेशा ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं, तो आप वहाँ पर टिक करेंगे कि गुरुत्वीय विभव जो है वो हमेशा ऋणात्मक हमें
प्राप्त होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये टॉपिक सयानता से हर रोज़ हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो विस्कोसिटी आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जाएँ, ये टॉपिक बहुत कंटेस्ट आप याद करके जाएँ, समझ के जाएँ। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है कि ताप बढ़ाने पर जल की सयानता, तो ताप बढ़ाने पर जल की जो सयानता है उसका परिवर्तन हमसे पूछा है, तो बता दें कि जो द्रवों की सयानता होती है वो ताप बढ़ाने के साथ घटती है और जो गैसों की सयानता होती है वो ताप बढ़ाने के साथ बढ़ती है। तो जल एक द्रव ही होता है तो जल की सयानता भी यहाँ पे कम हो जाएगी, यानी जल की सयानता भी ताप वृद्धि के साथ घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यदि जल का अपवर्तनांक 1.5 हो तो जल में प्रकाश की चाल, तो आपको फॉर्मूला याद होगा एन इक्वल टू होता है सी अपॉन वी, और यहाँ पे ये होता है वेग, ये होता है अपवर्तनांक एन और सी होती है प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे हमें याद क्या करना है, हमें प्रकाश की चाल दे रखी है तो जो जल की चाल है वो हमें भी ज्ञात करनी है, तो इसे थोड़ा चेंज करेंगे तो फार्मूला निकल के आएगा वी इक्वल टू सी अपॉन एन। तो सी यहाँ पे है 3×10^8 प्रकाश की चाल और नीचे दे रखा है 1.5, तो आप यहाँ इसे कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार कटेगा, तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 2×10^8 मीटर पर सेकेंड आपकी जो जल में प्रकाश की चाल निकल के आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, और अगर शक्ति के प्रचलित मात्रक की बात करें तो वो होता है अश्वशक्ति, और एक हॉर्स पावर या एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। और कल के वीडियो में थोड़ी गलती हो जाने से कुछ लोगों ने कमेंट किए, तो उस गलती को सुधारते हुए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि एक हॉर्स पावर में 0.746 किलोवाट होते हैं, मैंने वहाँ पे किलोवाट बता दिए थे वाट की जगह पे कि एक हॉर्स पावर में 746 किलोवाट बता दिए थे, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप थोड़ा इग्नोर कर दिया करें, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि एक हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट या फिर 0.746 किलोवाट होते हैं एक अश्वशक्ति में या एक हॉर्स पावर में। सो फ्रेंड्स, ये तो थे अभी तक मुझे मिले हुए क्वेश्चन, अगर आप और क्वेश्चन कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी, बहुत हेल्प हो जाएगी हमारे लिए और अपने और दोस्तों के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के बीच शेयर करें जिनका एग्ज़ाम शाम को है या आने वाली शिफ्ट में है या फिर कल है, ताकि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सके और वो देख सकें कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से आ रहा है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।